वही बस्तर जिले के जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शहर के कुछ दुकानदारों द्वारा पुलिस को नशे के रूप में उपयोग की जाने वाले विभिन्न सामग्रियों की बिक्री करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में पुलिस ने तत्काल एक टीम तैयार कर दुकानदारों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित अन्य नशीली चीजों को दुकानदारों के कब्जे से बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा जब्त की गई नशे की सामग्री की कीमत करीब 4,09,000 रुपये बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नशीली सामग्री को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्तर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और कुछ दिनों से पान ठेलों में और दुकानों में नशे में उपयोग होने वाले सामग्री की बिक्री की और भंडारण की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर कोतवाली पुलिस और बोधघाट पुलिस की संयुक्त टीम बना करके लगभग 15 से 20 पान ठेलों में और दुकानों में छापेमारी कार्रवाई की गई। ये एक संयुक्त टीम थी जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया था, उन्होंने भी सर्च अभियान में हमारी सहयोग किया था। पूरे शहर में जब पान ठेलों में और दुकानों में सर्च की गई तो उनमें काफ़ी मात्रा में नशे में उपयोग होने वाली सामग्री रोल्स, मुनक्का और पाइप्स वगैरह बरामद हुए हैं, जो कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए थाना में ला करके संबंधित दुकानदारों को बुला करके उन्हें समझाइश दी गई है कि निकट भविष्य में कभी भी किसी भी पान ठेले में या किराने दुकान में ये सब सामग्रियां विक्रय नहीं करेंगे, भंडारण नहीं करेंगे। उक्त कार्रवाई में लगभग 4 लाख से ऊपर के रोल्स, मुनक्का और नशे में उपयोग होने वाली सामग्री को पुलिस ने जब्त किया है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।